हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और जैसा कि मैं बताया था कि मैं क्रैश कोर्स रेगुलर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो रहा होगा और आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया है, मैं देखा था कि राइटिंग थोड़ा क्लियरली नहीं है। चलिए, इस सेशन में मैं अपना कोशिश किया हूँ कि राइटिंग जो है सुधारने का, मैं इम्प्रूव किया हूँ अपने आप को। राइटिंग है ना, थोड़ा सा बोर्ड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ आपके बातों को। तो आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा सवाल, जो कि बहुत बेसिक सा सवाल है, एनसीईआरटी का है, जो कि मैं सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि मैं क्रैश कोर्स में आपको वन शॉट वीडियो जो करवाया था उससे रिलेटेड मैं एक सवाल जो है आपके लिए, दो सवाल अभी लेकर आया हूँ, और भी मैं एक से दो सवाल और भी करवाऊंगा इसी सेशन में। तो अभी बोर्ड पे मेरे पास जितना जगह था इसके लिए मैं दो सवाल आपके सामने अभी मैं पेश किया हूँ। तो बच्चों, आप लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा था आपने, तो हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू बता दूं कि जैसे ये जो सेशन है ना, सबसे पहले तो ये आपको जानने का जरूरी है कि ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ ना, उन बच्चों के लिए है जो सीबीएसई 10th बोर्ड 2025 के लिए वो अपीयर होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बच्चों। और ये सेशन से बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इससे बेनिफिट उठा पा रहे होंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है बच्चों, और ये आप आराम से इससे पढ़ाई कर सकते हो, कंसेप्ट अपना अच्छा करो। मैं ये इसीलिए सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चे लोग। तो चलिए चलिए, तो थोड़ा सा मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। मैं क्रैश कोर्स जो वीडियो आपको वन शॉट वीडियो जो मिला है क्रैश कोर्स से रिलेटेड, तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। तो अगर वहां पे आप अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में कि हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा था। तो चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस को मैंने बताया था कि दो चीजों को इसमें समझना होता है। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीजों के बारे में हमको सबसे पहले फोकस करना है कि ये होता क्या है, ये कौन से जानवर का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं बच्चों बताया था कि अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे, अगर नीचे से ऊपर देखते हो तो एक हॉरिजेंटल लाइन इमेजिन करोगे तुम, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, तो जस्ट अगर हमको ऊपर देखना है तो ये जो मेरा प्लेन सरफेस, जो एटमोस्फेयर है, जो एक हॉरिजेंटल सरफेस का वर्क कर रहा है, तो हॉरिजेंटल सरफेस का ये जो प्लेन का काम कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जो हम ऊपर देख रहे हैं, तो जितना एंगल इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये जो हमारा देखने का जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और वही चीज अगर आप ऊपर से, अगर मान लो बिल्डिंग पे खड़ा हो या फिर आप टावर पे खड़ा हो और किसी नीचे कार को देख रहे हो या फिर किसी आदमी को देख रहे हो, बिल्डिंग से, बिल्डिंग पे आप बैठे हो और बिल्डिंग से देख रहे हो नीचे, तो वो जो बिल्डिंग का सरफेस जो है ना वो आपका हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, और जो आप देखने का काम कर रहे हो वो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब मैं साफ शब्दों में समझाया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे आप एक ऑब्जर्वर हो और मान लो कि नीचे आप खड़े हो और किसी बिल्डिंग पे आदमी बैठा हुआ है उसको आप ऊपर देख रहे हो, तो ये जो प्रोसेस होता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए, छोटा सा फिगर मैं समझा देता हूँ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में, जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे मान लीजिए, तो इस लाइन के साथ जितना आप एंगल, मान लीजिए थीटा डिग्री एंगल बना रहे, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वही चीज अगर आप ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये मान लीजिए यहाँ पे आप आदमी बैठा हुआ है और यहाँ कोई देख, तो ये जो है ना हॉरिजेंटल लाइन हुआ, हॉरिजेंटल लाइन है ना,
और ये लाइन ऑफ साइट हुआ आपका, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है ये थीटा जो है डिप्रेशन हुआ, मतलब ये डिप्रेशन का केस हो गया और ये एंगल ऑफ एलिवेशन का केस हो गया। तो आप इतना याद रखें कि आपका जो नीचे से ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यहां से अगर आप कोई देख रहा है ऑब्जर्वर मान लीजिए ओ से, ओ पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को, तो यहां से ऊपर देखने का जो प्रोसेस होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी ये लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाएगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो नीचे से ऊपर आप एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखेंगे, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब क्वेश्चन जो है, मैं बताया हूं कि अगर आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया होगा कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मैं बता देता हूं इस सबसे पहले बात होता यह है कि आपको चैप्टर्स का बेसिक आता है या नहीं, तभी आप चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप बना पाओगे। अगर आपके पास बेसिक नहीं होगा ना तो चाह कर भी आप सवाल समझ कर भी नहीं बना पाओगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का बच्चों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और इस क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप फिगर बना लेते हो तो आधा काम वहीं पे आपका खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन पढ़ के आप अगर फिगर को नहीं ड्रा कर पा रहे हो तब आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फाइनली आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल जो है वो फिगर से ही रिलेटेड होता है बच्चों। तो आपको सबसे पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेना है, और फिगर के अकॉर्डिंग जो भी आपका जो है आंसर, और सबसे पहले कुछ आपको वैल्यू भी मैंने बताया था जो कि वीडियो, अब अगर आप नहीं देखे हो लेक्चर को तो देख लो आप, उसमें कुछ वैल्यू आपको याद करने होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वैल्यू हैं आपके, जैसे टैन 45, 30 डिग्री का मान क्या होता है, टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए तभी इसमें आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूं तो सबसे पहले ये सारे प्रोसेस आप अगर कर लेते हो ना तो आप आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी सवाल को आप बना लोगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन, ये सेशन जो क्वेश्चन का मैं लेकर आया हूं आपके लिए, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों इसको मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा, तो पढ़ने के दरमियान आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और आप भी पढ़ो साथ में मेरे, मतलब मन में। देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बच्चों इसमें आपका जो है क्या कहता है कि एक पोल है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब किया हुआ है, रस्सी को बांधा हुआ है ना, लॉन्ग रॉप है 20 मीटर का जो कि पोल में एक टॉप पे उसको बांधा है, मतलब देखिए विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब कि एक एंड को, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर पोल है तो यहां से एक रस्सी लिया है वो सर्कस आर्टिस्ट और यहाँ ग्राउंड लेवल पे वो ऐसा बांधा है, ये पोल पे एक पॉइंट पे बांधा इस रस्सी को, और कितना मीटर का रस्सी है, 20 मीटर लंबा है, और मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। फिर कहता है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच, मतलब उसको टाइटली स्ट्रेच खींचा हुआ है ना, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल, मतलब यहाँ पे एक पॉल मतलब टॉप पे बांधा गया है, टू द ग्राउंड मतलब, और एक जो है पॉइंट ग्राउंड पे लिया गया। सर्कस ऐसे आप लोग देखे होंगे, अगर आप कई बार अगर गांव में रहते हो या फिर कहीं भी आप अगर कहीं जा रहे हो मार्केट में, ऐसे भी देखा जैसे सर्कस आर्टिस्ट मिल जाता है, उस तरीके से दिखाता है कि मान लीजिए कि एक जो है ना ऐसा डंडा जो है ना ले लेता है, उस पे रस्सी को बांध लेता है, उस पे देखिए चढ़कर वो दिखाता है। तो
एक जो रस्सी का जो है ना बॉटम पार्ट को तो नीचे बांधता है वो, और इस पे वो चढ़कर दिखाता है अपना जादू दिखाता है ना। आप लोग देखे होंगे, अगर बचपन में कभी देखे होंगे सर्कस, तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको जो है एक इंड को यहाँ पे टॉप पे बांधा है ना, और एक नीचे बांधा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन कौन हुआ? यहाँ पे अगर ये मान लीजिए यहाँ पे बांधा है, तो देखिए तो ये जो टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये पूछता है आपको हाइट, हाइट पूछता है ना। तो ये हाइट आपसे पूछ रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है ना, इसके साथ एंगल जो है आपका कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपसे हाइट पूछता है। तो क्या यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने फिगर बना लिया है, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मुझे भी पता है कि मैं आपके लिए बेसिक, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें चैप्टर में आपको करना क्या है ना। तो ये देखिए कि आपको पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद ये फिगर को ड्रॉ कर देना है। तो आपने पढ़ा कि एक पोल है, तो पोल मैंने बनाया, दिस इज पोल आपका जो है, ये पोल है, पोल मैंने बना दिया, पोल है। अब ये ग्राउंड के साथ मतलब एक ये धागा है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ये धागा, तो एक एंड को पोल पे बांधा हुआ है टॉप पे, और एक को ग्राउंड लेवल पे बांधा हुआ है। और ये जो ग्राउंड लेवल का जो हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया है कि जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे ना, तो ग्राउंड लेवल मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन जैसा वर्क कर रहा है। तो ये मान लीजिए यहां से इस टॉप को देख रहा है ना, यहां से मान लो एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, मतलब ये चढ़ रहा है यहां से, तो इसको देख रहा है, तो इसके ग्राउंड लेवल और इसके बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल, मतलब कि यहां पे ऑब्जर्वर है और ऊपर देख रहा है, तो ऊपर मतलब चढ़ रहा है, मतलब इसके साथ हॉरिजेंटल लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे आप टैन लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है बच्चों, आप ले लो इसको, है ना। तो चलिए पहले गिवन में जो आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपका, गिवन में आपका जो है इन राइट ट्रायंगल एबीसी है ना, हम लोगों के पास राइट ट्रायंगल एबीसी है। अब ये बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, एच मीटर दिया हुआ है। और ये फिगर से आप क्या ले लोगे, आप एग्जाम में बनाओगे तो पूरे अच्छे से बनाना है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जगह नहीं है, इसीलिए एसी का वैल्यू दिया हुआ है ना 20 मीटर। और एंगल क्या दिया हुआ है बच्चों, देख लीजिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी आपका 30 डिग्री। अच्छा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन के केस में, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो क्या इसके बीच में कुछ आपको पता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बताएं, तो साइन 30 अगर लगाए, तो साइन 30 अगर आप लगाते हो ना, तो पी बाई एच क्या लिखते हो, पी बाई एच थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी मतलब साइन 30, मतलब कि ये साइन 30 का मान 1/2, और ए बी का वैल्यू एच है, और ये आपका 20 है। तो यहां से अगर आप इसको काटिएगा तो ये 10 हो गया, एच बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो आपने ये हाइट जो है पॉल का निकाल लिया। तो बच्चों इतना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बार बार आप पढ़ो, और क्वेश्चन ही मेन समझना है। मैंने पूरा आपको फिगर आपको बता दिया क्वेश्चन का कि कैसे बनेगा, मतलब कि एक पोल है, वर्टिकल पोल था, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो ग्राउंड पे एक पार्ट में ग्राउंड पे बांधा है रस्सी को, और एक टॉप पे बांध दिया है, और इस पे ये चढ़ रहा है। तो चढ़ने के दरमियान ये ग्राउंड के साथ जितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो कहता है कि इसका हाइट बताओ, तो इस केस में यहां से अगर चढ़ना शुरू करेगा, तो बताइए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो, एंगल ऑफ एलिवेशन तो होगा,
है ना, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसी केस में ये हाइट आपको पूछ रहा था। तो ये पहला का आपका पहला नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि हाइट इसका 10 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, है ना। आप लोग भी ट्राई कीजिए, हम भी आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, तो ये मिटा लेता हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये पूरा अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये पहला का सॉल्यूशन जो कि मैं बहुत ही बेसिक सवाल लिया था, है ना बच्चों। चलिए सेकेंड नंबर सवाल को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tree to the point, find the height of the point where the top touches the ground is 8 meter. देखिए बच्चों, फिर से एक बार मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। A tree breaks due to a storm. Storm का मतलब क्या होता है? तूफान। मतलब एक ट्री जो है, पेड़ जो है, वो टूट जाता है कहीं से, मतलब कहीं से उसका पार्ट टूटता है, तूफान आता है। देखते हो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? हवा, है ना, तूफान से वो पेड़ टूटता है किसी पार्ट, मतलब पेड़ का वो टूट कर। और जैसे आप पेड़, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे भी आंधी और पानी जब दोनों साथ में आता है आपके पास, कभी भी देखे होंगे आप घरों में भी, जब आप बरसात के टाइम में कई बार देखे होंगे, जब रेनी सीजन होता है तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है बहुत तेज से हवा चल रही है और उसके कारण जो है पेड़ किसी पार्ट से वो टूट जाता है और ग्राउंड पे जाकर टच करता है। तो वही कह रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, तूफान के कारण, मतलब हवा के कारण, है ना, हवा का झोंका से टूटता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, मुड़ जाता है, मुड़ता है, बेंड का मतलब क्या, मुड़ जाता है। सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप जो पार्ट होता है ट्री का वो ग्राउंड को टच करता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, है ना। उसके बाद कहता है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि पूरे कहानी में ऐसा दिया हुआ है, चलिए ये कहानी जो है ऐसा दिया हुआ है आपका, देख लीजिए बच्चों, है ना। मान लीजिए कि यहां से जो है इस ऐसा पेड़ है, देखिए यहाँ पे आपका, मान लीजिए इस तरीके से आपने इसको फिगर को पहले लिया है। चलिए यहां से मान लीजिए कि इस तरीके से पेड़ आपका टूटा है ना। चलिए ये जो है, मान लीजिए ए बी सी, और ये मान लीजिए डी पार्ट है। थोड़ा सा इसको और भी आप मान लीजिए, थोड़ा सा इधर ले लीजिए, है ना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लीजिए और यहाँ से इस तरीके से आप मिला दीजिए इसको, है ना। ये जो है आपका डी पार्ट है। तो हम जो क्या कहता है कि एक पेड़ है, ये पूरा टोटल हाइट पेड़ का हो गया, है ना आपका, ये टोटल हाइट पेड़ का हुआ है ना बच्चों। देखिए इसको, तो ये जो है आपका लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको देख लीजिए अच्छे से, लाइन को हम खींच लेते हैं,
अब सीधा हो गया है ना। अब ये सी पार्ट है, ये मान लीजिए राइट एंगल है, ये पूरा पेड़ का हाइट है, मान लीजिए यहां से यहां तक। ये जो है ये एच है टोटल, तो मान लीजिए कि ये टोटल जो है, मान लीजिए कि ये टोटल जो, मान लीजिए ये जो टूटा है पेड़ का, तो ये एक्स है और ये इसका वाई पार्ट जो है टूट गया। कहता है कि एक पेड़ टूटा, टूटने के बाद कहीं से इसी इस पॉइंट से मान लीजिए ये पेड़ टूट गया, टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये जो है ना फुट ऑफ द ट्री है, ट्री का जहां पे जड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है, ये फुट, पेड़ का ये फुट है, फुट पॉइंट। और मान ली सपोज दैट ये वाई पार्ट, इसका अभी हमको लेंथ कुछ पता नहीं है, है कि पता है आपको? नहीं। तो एक जब पेड़ टूटा स्ट्रॉम के कारण, तूफान के कारण, हवा के झोंका के कारण, तो ये जो पेड़ का अभी हमको कुछ भी लेंथ पता नहीं था, तो इसको हम वाई मान लिए, तो ये जितना लेंथ का होगा वो भी तो इतना ही लेंथ का, इसका भी तो लेंथ वाई ही होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप इससे सहमत हो कि नहीं? अगर ये वाई लेंथ का है तो ये भी वाई ही होगा, ठीक है। अब ये राइट एंगल, अब कहता है कि इसका जो ये वाला पार्ट टूटा, तो टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच करने के बाद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब इस, अब मान लीजिए जहां पे भी एंगल बन रहा है, तो मैंने बताया था कि एक हॉरिजेंटल लाइन तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो हॉरिजेंटल लाइन लिया, इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं, चलिए आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब ये कहता है बच्चों, यहाँ पे लाइन पढ़ो अब, कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब कि फुट ऑफ द ट्री का डिस्टेंस कहां से, जहां पे पेड़ जहां से टूटा है और ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है, तो फुट ऑफ द ट्री और ये जो ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है, दोनों का जो डिस्टेंस दिया हुआ है बीच में वो 8 मीटर का दिया हुआ है, ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, चलिए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये टोटल हाइट आपसे पूछा जा रहा है, फाइनली ये आपको कह रहा है। तो ये टोटल जो है हाइट आपका बच्चों ट्री का मैंने लिया है, तो ये क्वेश्चन में कैसे आपको लिखना है, अगर आप पूरा सॉल्यूशन अगर अच्छे से आप बनाते हो तो कैसे लिखोगे एग्जाम में? लेट डीबी डीबी बी द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट है ना, और क्या है? चलिए ये हाइट हो गया। अब ए बी जो है ये क्या है, यहां से यहां तक, मतलब हम लोगों ने क्या माना है कि ये टोटल डी बी जो है हाइट है ना, और ट्रायंगल एंड ए डी इज द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, है ना, ये इतना आप लिखेंगे। डेट इज ए डी इज इक्वल टू, हमने क्या माना वाई, ए डी को आपने क्या माना एक्स, है ना, इस तरीके से आप ले लीजिएगा। तो टोटल जो हाइट हमारा हुआ ट्री का वो एक्स बराबर एच बराबर एक्स प्लस वाई। अब हमको क्या निकालना है कि इसका हाइट निकालना है, तो अब कैसे निकलेगा सवाल ये उठता है कि हाइट आप कैसे निकालोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ये, मतलब हाइट निकालने का ये क्या प्रोसीजर है इसमें देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलिए यहाँ पे लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये तो आपने ले लिया, तो ये तो अगर आप एक्स और वाई दोनों अगर आप निकाल लेते हो, तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये हाइट निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन हम लेते हैं इसमें, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक रिलेशन हम इसमें ले लेते हैं, साइन 30 के केस में ले लेते हैं और एक टेन 30 के केस में। तो पहला जो है फ्रॉम
ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी बी हैव, अगर हम लेते हैं इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस हो गया। तो सबसे पहला हम रिलेशन लेते हैं साइन 30। साइन 30 को आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी बाई एच मतलब कि पी कौन है, ये है आपका, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी अपॉन ए सी होगा कि नहीं, ए बी अपॉन ए सी हो गया है कि नहीं बच्चों। तो ए बी आपका क्या है, एक्स, और ये कितना है वाई, और ये साइन 30 का मान अगर आपको पता होगा तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आ गया आपका एक्स अपॉन वाई। तो ये जो हो गया आपका, यहां से आप अगर निकालना चाहोगे तो ये जो आ गया आपका कितना आ गया देख लीजिए, 2x बराबर y, ये आपका यहाँ से रिलेशन आया। चलिए तो यहां से अगर आपको ये आ गया है तो एक और रिलेशन हम लोग निकालते हैं इसमें, किसमें, अब हमको p और b भी पता है, p और b। तो अगर हम tan 30 लगाते हैं, tan 30 लगाते हैं तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे tan 30 लगाते हैं, तो tan 30 लगाइए यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में हम tan 30 लगा देते हैं, इधर आपका ये आ गया, तो tan 30 लगाइएगा तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर और बेस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 के लिए ए बी अपॉन, और ये देखिए बी सी, ए बी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, टैन मतलब टैन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बी है मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही है, तो ए बी अपॉन और ये हो जाएगा बी सी, है ना। तो टैन 30 आपका जो हो गया वो वैल्यू आपको पता होगा 1/√3, टैन 30 का मान 1/√3, और ए बी का लेंथ दिया हुआ है क्या एक्स, और यहाँ पे देखिए इसका बी सी का लेंथ 8, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा बच्चों, इसको गुणा कीजिएगा तो x बराबर 8/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है x का वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर आप y निकालना चाहोगे तो y कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 2 × 8/√3, मतलब y का वैल्यू 16/√3 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप हाइट निकालोगे तो हाइट बराबर आपने क्या माना है, एक्स प्लस वाई, पूरे एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लगाना था, बस ये समझना था कि ये जो हाइट है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जो हाइट को समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे वाई हुआ, तो यही वाला पार्ट तो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये दोनों जो है लेंथ बराबर ही तो होगा, है ना। तो ये दोनों लेंथ है जो आपको देखने में भले लग रहा है लेकिन ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ये जो है आपका हाइट निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या था आपका देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 8/√3, और यहाँ पे इसको जो है 16/√3, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा ना बच्चों, तो ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 24, 16 और 8 24, देख लीजिए यहाँ पे 24। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो √3 और √3, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, और यहाँ पे आप इसको लिखो 24√3/3, 3 8, 8 बार में ये कट गया। अब 8√3 आपका जो है फाइनली हाइट आया इसका, एच बराबर 8√3, तो 8 को आप गुना करो, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, 1.732, और अगर इसको गुना करते हो ना, गुना करोगे तो आपको देखिए कितना आएगा, इसको गुना कर लीजिए 1.732 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 है 25, और 8 × 7 = 56 और 2 = 58, और ये 13, मतलब कि फाइनली जो आपका आया हाइट 13.856 मीटर। तो ये फाइनली आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो आपको अगर इसमें कहीं भी इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत
बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें सीखने को मिला बच्चों आपको, कि ये जो वाई था ना, मान लीजिए कहीं किसी पॉइंट से, अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आता कि अच्छा आपने कैसे मान लिया यहाँ से, तो वो मुझे भी नहीं पता, अगर इसको नहीं मानोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, कहीं से तो आखिरकार पेड़ टूटा होगा, टूटा होगा तो किसी पॉइंट से ही ना टूटा होगा, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट से मेरा पेड़ टूट गया, इस लेंथ को वाई मान लिए, है ना, और ये जितना जितना लेंथ का होगा वही तो ये टच कर रहा होगा ना ग्राउंड को, है ना, तो ये वाई हो गया, अब ये एक्स हमने माना है, तो टोटल हाइट ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो ये साइन 30, अब देखिए अब डिपेंड करता है कि आपके मन में ये भी लग रहा होगा कि साइन 30 कब लगाएंगे, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप क्या लगाने वाले हो वो रिक्वायरमेंट आपका बताएगा कि क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन और टैन डिसाइड करोगे या फिर कॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम टैन लगेगा आपका, लेकिन कई बार साइन भी लगता है, कॉट भी लगता है, तो वो रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको क्वेश्चन में ये लगाने होंगे, है ना। तो ये सवाल को हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट अगर आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़